अच्छी झोपड़ी में बिठा करके गई थी भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन मेरा बेटा ये झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चले गए? बेटा जंगली वायसा तुम कहाँ हो बेटा? एक बार माँ के दर्शन करो बेटा। हे भगवान, हे यशोरा, हाँ देखिए दूल्हा मांगने के लिए चले जाती हूँ तो तुम ये झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चले जाती हो बेटा? माँ, हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाता हूँ माँ, मैं तो यूं ही खेल कूद में लगे रहती हूँ। लेकिन माँ, तू तो मुझे छोड़ कर गया था भिक्षा लाने के लिए, लेकिन भिक्षा लेकर कहाँ आई हो माँ? मैं क्या खाऊंगा बेटा? आज मैं नगर गई भिक्षा मांगने के लिए,
हाँ माँ, नगरवासी के बच्चों ने मुझे ईंटों से पत्थरों से मुझे पीटा। क्या? इसलिए आज मैं नगरवासी में भिक्षा नहीं मांग सके। आज अपने झोपड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं है बेटा। माँ, तो मैं फिर क्या खाऊंगा माँ? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा है माँ। ऐसा करो बेटा, तुम इस झोपड़ी में बैठो और मैं जा रही हूँ भीख मांगने के लिए। याद रहे बेटा, जब तक मैं भीख मांग करके वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम इसी झोपड़ी में बैठ करके मेरा हाथ देखना बेटा। ठीक है माँ, जब तक तुम भिक्षा लेकर चले नहीं आओगे, तब तक मैं इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। हाँ बेटा। ठीक है माँ, जाओ। मेरी माँ गई है गांव नगर भिक्षा मांगने के लिए और मुझे कहकर गया है कि बेटा, जब तक मैं भिक्षा लेकर चले नहीं आऊं, तब तक इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है, मैं अपनी माँ को बात नहीं काटूंगा। जब तक मेरी माँ भिक्षा लेकर चले नहीं आएंगे, तब तक मैं इस टूटी हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं माँ को राह देखता हूँ मेरी माँ मेरे लिए कब भिक्षा लेकर चले आती है मेरे पास। देखिए हो बाबू सा क्या देख रहा हूँ, सुबह से शाम होने चला लेकिन मेरी माँ अभी तक भिक्षा लेकर नहीं आई। पता नहीं कब आएंगे। इससे अच्छा क्यों नहीं उधर से मेरी माँ आती होंगे और इधर से मैं चलता हूँ, आधी रास्ते में हम माँ से मिल जाऊंगा।
ठीक है, यहाँ से मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास।